दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सूबे का सियासी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटी है। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच अब दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। चुनावी प्रचार में राजनीतिक दल पानी की तरह पैसा बहाते हैं और इस रेस में केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि उसके पास आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। जी हां, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात खुद एक जनसभा में कही है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि पार्टी को आपके चंदे की जरूरत है। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि हमने पिछले 5 साल में दिल्ली में बहुत काम किया, अब हमारे पास अगला चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने 5 साल में 1 रुपया नहीं कमाया, अब ये आपके ऊपर है कि चुनाव लड़ने में हमारी मदद करें। इसके साथ ही केजरीवाल ने कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के केंद्र की मंशा पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों को नियमित कराकर ही दम लूंगा, रजिस्ट्री होने तक किसी भी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले भी धोखा दे चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल पहले मैंने कसम खाई थी कि कच्ची कॉलोनियों को नियमित करूंगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा पिछले 2 महीनों से सुनने को मिल रहा है कि कॉलोनियों को पक्का कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल में ये काम क्यों नहीं कराया गया। दिल्ली सरकार पिछले 5 साल से नाले और सड़क बनवा रही थी, तो केंद्र सरकार कहां थी। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख बीजेपी को अब कच्ची कॉलोनियों की याद आने लगी है। आपको बता दें कि अगले साल राजधानी में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है। ऐसे में दिल्ली की जनता किसके हक में जनादेश देगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।